हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 1 यानी 10th क्लास का समकालीन भारत, हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 जो कि है संसाधन एवं विकास, यानी संसाधन जो लेसन हम अभी दो वीडियो जो मैंने डाले हैं संसाधन और विकास का, वो हम देख ही सकते हैं। संसाधन और विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस लेसन के अब हम क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है बहुविकल्पीय क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, शायद हो सकता है कि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर भी आता हो। अनवीकरणीय योग्य संसाधन है लोह अयस्क, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा, तो ज्वारीय ऊर्जा किस तरह का संसाधन है, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है ज्वारीय ऊर्जा। अगला है ऑब्जेक्टिव, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो क्या है, पंजाब में वनोन्मूलन। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो ये है उत्तराखंड, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तराखंड, ठीक है। और अब इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, आंसर आपके सामने है, इनमें से झारखंड राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन के आंसर भी आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आप देख ही सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उनके आंसर ये हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने जब काली मिट्टी आपको पढ़ाई अभी वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ाई आपको, तो मैंने बताया था कि काली मिट्टी किस तरह की मृदा है, कहाँ पाई जाती है और कौन सी फसल इसमें होती है। तो काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक शैलों से बनती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। और इस मिट्टी में कौन सी खेती होती है, तो ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब जहां पर आप नदी शब्द देख रहे हैं वहां पर कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़। मैंने बताया है आपको कि जहां पर नदियां होंगी वहां पर जलोढ़ मिट्टी होगी। अब जलोढ़ मिट्टी देख लीजिए, अभी आप देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, कौन कौन से, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि जलोढ़ मिट्टी, जहां पर नदियां होंगी वहां की मिट्टी जलोढ़ होगी। और भारत की तीनों जो नदियाँ हैं वो बहुत मुख्य नदियाँ हैं और यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और नतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है कि जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्र वहाँ पर मृदा अपरदन ना हो तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा का अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। पहला,
पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं यानी कंटूर लाइन बनाना चाहिए के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है इस और फिर पट्टियों में बांट के और इसे रोका जा सकता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। अगला है पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है और मृदा रोधक बांध अवनलिकाओं के फैलाव को रोकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो जैव संसाधन, पहला है जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन, है ना। तो वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य कैसा संसाधन है? जैव, क्योंकि उसमें जीवन है। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जीवन आदि, ये कैसे संसाधन है? जैव संसाधन है। अब अजैव संसाधन, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। आ गई समझ में? जिनमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव हैं वो अजैव, और जो जीवित हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और जैसे ही स्कूल ओपन होंगे आपकी कॉपी चेक की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें।